हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी आई एम श्रीमिष श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर कब रद्द करी जाती है किन ग्राउंड्स पर रद्द करी जाती है कैसे जो है अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या आप उन्हें रद्द करा सकते हो कैसे रद्द करा सकते हो ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे नाउ दिस गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दी एग्जामिनेशन क्योंकि एग्जाम में मेंस एग्जाम में एग्जाम uh, में अक्सर पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जो है बात करने वाले हैं इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की जो आपका सीआरपीसी में सेक्शन 482 में दे रखा है सो so, आज हम सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिस्पेक्ट में कि, कि किस ग्राउंड पे कब आप एफआईआर रद्द करोगे कब हाई कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके अलाउ करेगी और, आ, को करने में, तो वो उसके जो आया है आपके लिए लाइफ फाउंडेशन बैच और इस लाइफ फाउंडेशन बैच में है यूनिक फीचर्स जैसे कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे इलेवन प्लस लाइव आर क्लासेस डेली एमसीक्यूज ताकि आप सेल्फ इवेल्युएट कर सके अपने आप को साथ में हम आपको एक मेंटर भी देंगे जो इंटर आपको गाइड करेगा इस पूरी जर्नी में नॉट ओनली दिस आपको यहां पे लेक्चर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलेगा आपको इस फाउंडेशन बैच में अगर आपको इनरोल करना है आप अगर आप करना चाहते हैं, की, तो आप हमारे शाम को आपकी क्लासेस चार बजे ऑनवर्ड स्टार्ट होती है आठ बजे तक रहती है दिन में दो क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है इनरोल होने के लिए अगर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें कोड श्री लाइव तो श्री लाइव के कोड से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप इनरोल हो सकते हैं इन जस्ट रुपीज ट्वेंटी नाउ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तो अगर आपको सेशन 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 की 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 चाहिए 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 क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो तो इस सेशन की चाहिए, या फिर अगर आपको क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से नॉट ओनली दिस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल पे एंड फील फ्री टू आस्क मी आस्किन नाउ सबसे पहले हम बात करें गाइडलाइंस की या फिर इनरेंट पावर की तो किन ग्राउंड पे एफ आपकी रद्द होती है कब आपकी एफ रद्द करी जाती है तो देखो बेसिकली क्या होता है जहां पे कोई एक पार्टी है दूसरी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करती है और अगर उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं रॉन्ग एलिगेशन लगाए हैं तो दूसरी पार्टी जो है एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट में पहुंच सकती है ये कहते हुए कि मेरे को अपनी एफआईआर को क्वैश कराना है बट उसमें भी एफ को एफ आई को क्वैश करते वक्त या कैंसिल करते वक्त हाईकोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान में रखना होता है ऐसी हर कोई एफ जो है क्वैश नहीं हो जाती राइट तो कुछ गाइडलाइन सेट किए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके हिसाब

राइट right. नॉ ये है आपका चैप्टर थर्टी सेवन ऑफ कोर्ट को एक बहुत ही ज़्यादा no अपनी लिमिटेशंस नहीं है कोई भी स्टैटरी लिमिटेशंस नहीं है क्यों नहीं है जस्ट बिकॉज ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर है इनबिल्ट पावर है अब यहां पे प्रिजर्व कर दे, ये जो है आपका 482, ये प्रिजर्व करता है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को कि वो प्रिवेंट कर सके अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट अब यहाँ पे दो की बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस सेक्शन के मेन इंपॉर्टेंट की हैं फर्स्ट टू प्रिवेंट द दब्यूज ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ कोर्ट और अब यहाँ पे देखो और वर्ड है प्रिलिम्स में ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एंड यूज कर देते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है या फिर सिक्योर करने के लिए एंड्स ऑफ जस्टिस तो हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है दो चीजें इंश्योर करने के लिए कि कोई भी कोर्ट का गलत इस्तेमाल ना करे कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल ना करे और दूसरा ताकि पार्टीज को जस्टिफाई किया जा सके या फिर उनके जस्टिस को उनको सेटिस्फैक्ट्री जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके सिक्योर करने के लिए एंड ऑफ जस्टिस यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट इसका कीवर्ड्स uh, हैं सेक्शन के तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पे निरंतर पावर किस टाइम पे नाउ यहाँ पे कहता है देव फॉर द हाई कोर्ट मस्ट हैव ड्यूरिगाज टू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस अब ऐसा नहीं है कि मान लो uh, क्या कहते हैं आपकी जो एफआईआर है ये Uh, इसको जब हम क्वैश करेंगे जब हम कैंसिल करेंगे जब हम इसको रद्द करेंगे तो हमें जो है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का नेचर ध्यान रखना होगा उसकी ग्रेविटी ध्यान रखनी होगी तो जनरली एज अ जनरल फिनमिना यू कैन से जनरली मर्डर के केसेस में रेप के केसेस में गैंग रेप के केसेस में इन सारे केसेस में आपका जो है एफआईआर क्वैश नहीं करी जाती है एज अ जनरल रूल राइट अच्छा अब एफ आई आर कब करी जाएगी किस स्टेज पे करी जाएगी एफ आई आर तो एफ आई आर दर्ज हुई ठीक है चार्जशीट से पहले वो क्वैश हो सकती है बट यहां पे कहा गया एक्सेप्शनल केसेस में वो चार्जशीट के बाद भी एफ आई आर क्वेश्च हो सकती है ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बट देन वो बहुत जो केसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसमें ही चार्जशीट के बाद आपकी एफ आई आर कैंसिल हो सकती है नाउ इन अ वेरी लैंडमार्क केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें गाइडलाइन सेट करी उस केस का नाम था परबत भाई अहिर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात ठीक है अब इसमें कुछ गाइडलाइन सेट कर दी कि भाई इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही हाई कोर्ट जो है एक्सरसाइज करेगी अपनी इनहेरेंट पावर या इसको इसके गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा जब भी हाई कोर्ट जो है एक्सरसाइज कर रही है अपनी 482 की पावर अंडर सीआरपीसी नाउ नॉट ओनली दिस यहां पे जो सबसे पहली गाइडलाइन है

को रोकने के लिए हाई कोर्ट जो है अपना इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है तो गाइडलाइन नंबर जो वन है वो ये क्या कहती है कि सेक्शन 482 प्रिजर्व्स द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू तो प्रिवेंट

बात क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यहां पे पे, ऑन नहीं कर रहा है कोई नई पावर नहीं कर रहा है बट सिर्फ इतना कर रहा है कि वो जो है प्रिजर्व कर रहा है जो ऑलरेडी इनहेरेंट राइट है हाईकोर्ट का इन दो चीजों को करने के लिए नाउ अब बात आती है कि मान लो

मैं बता रखा है तीन सौ बीस में कि भाई जो लिस्ट जो टेबल दो टेबल्स दे रखी हैं उन टेबल में जो कंपाउंडेबल ऑफिस है उसी में कंपाउंडिंग होगी

तो यहां पे बताया है कि 482 एक्सरसाइज करके नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी जो है सेटलमेंट हो सकता है ठीक है वाई कंपाउंडिंग इन ऑफेंस द पावर ऑफ द कोर्ट इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ थ्री ट्वेंटी पावर टू क्वेशन फोर एटी टू इज अट्रैक्ट इवन इफ दस इज नॉन कंपाउंडेबल तो यहां पे कह रहा है कि पावर का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जहां पे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे वो आपके क्लियर नाउ द नेक्स्ट गाइडलाइन अब यहां कहता है इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन की वेदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर जो कंप्लेन है शुड बी क्वेश्ड इन एक्साइज ऑफ इज सेक्शन अंडर फोर एटी टू यहां हाई कोर्ट को बहुत ध्यान से इवेल्युएट करना पड़ेगा दैट वेदर द एंड ऑफ जस्टिस जब हम जब हाईकोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके ये सोचेगी इस रद्द कर देना है तो उसको बहुत जुडिशियल कर, डिसाइड करना होगा ये इवेलुएट करना होगा कि क्या जस्टिस सर्व हो रहा है क्या ऐसा है कि पार्टी के बीच में जस्टिस हो रहा है अगर जस्टिस सिक्योर करने के लिए तो पहले ही यहाँ पे की वो बता रखा है सेक्शन में जस्टिस सिक्योर करने के लिए

on the ground that the offender and victim had settled the dispute revolves ultimately on the facts and circumstances of each case. अब क्या कहता है यहाँ पे कि मान लो पार्टीज ने आपस में समझौता कर लिया है आपस में अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया है एक सेटलमेंट पे वो आ गए हैं कोई एग्रीमेंट कर लिया है उस पर्टिकुलर केस में एफआईआर क्वैश होनी है या नहीं होनी है ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा हर केस के फैक्ट्स और सरकमस्टांसिस पे एंड नो एग्जॉस्टिव एलोबरेटिव ऑफ प्रिंसिपल कैन बी फॉर्मुलेटेड और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इसके रिस्पेक्ट में कोई भी प्रॉपर प्रिंसिपल हम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे डिपेंड किस चीज पे करेगा ये डिपेंड करेगा हर केस के पे। अब हर केस केस के के फैक्ट्स फैक्ट्स एंड पे अब ना अलग अलग होते हैं हर के तो हाईकोर्ट के, के पास पावर है कि वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस को देख के डिसाइड करेगा कि क्वेश्च uh, करनी है एफ आई आर या नहीं रद्द करनी है एफ आई आर या नहीं नाउ नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है यहाँ पे की इन एक्सरसाइज ऑफ पावर जब भी uh, जो हाईकोर्ट है वो सेक्शन फोर एटी टू का

एंड वाइल डीलिंग एनी प्ली की रद्द करनी है या नहीं करनी है आ, या फिर जब भी कोई ऐसा आ, प्ली आता है कि कोई डिस्प्यूट आ, जो है सेटल हो चुका है उसमें आपस में सेटलमेंट हो चुका है उस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट को देखना पड़ता है दी नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस तो अगर मान लो पार्टी आपस, आपस में समझौता भी कर लेती हैं उस पर्टिकुलर केस में समझौता करने के बाद वो हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई 482 के अंडर कि हमें जो आई एफआईआर को क्वैश करना है अब इस पर्टिकुलर केस में अगर वो सीरियस ऑफेंस है हीनियस ऑफेंस है तो यहाँ पे हाईकोर्ट क्या करेगा नेचर और ग्रेविटी देखेगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस की कि कितना सीरियस वो पर्टिकुलर ऑफेंस है राइट हीनियस और सीरियस ऑफेंस इन्वॉल्विंग मेंटल डिप्राविटी

ऐसे नेचर का है तो उस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट देखेगी कि क्या ग्रेविटी है क्या नेचर है उस ऑफेंस का सीरियस है बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि अगेन ये जो ऑफेंसेस हैं इस तरीके के ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं पूरी पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं सच ऑफेंसेज आर ट्रूली स्पीकिंग नॉट प्राइवेट इन नेचर बट है सीरियस इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी अब जो ये ऑफेंस है ये ऐसा नहीं कि आपने आपसे समझौता कर लिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया बट क्यों क्यों ऐसे ऑफेंसिस पब्लिक को अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी अपने हिसाब से नेचर और ग्रेविटी को देख के ऑफेंस के उसको क्वैश uh, करनी है एफ आई आर या नहीं रद्द करनी है एफ आई आर या फिर नहीं ना क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग ऑफ ऑफेंस विच अराइजेस फ्रॉम कमर्शियल financial or mercantile partnership or similar transaction with an essential civil flavor may in appropriate situation फॉल फॉर क्वेश्चन वेयर पार्टीज हैव दार्टीज द डिस्प्यूट अगर मान लो कोई ऐसा एफ आई आर आई है जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन या फिर पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में है तो उसमें हाँ पे कहता है कि कोर्ट अलाउ करती है कि भाई अगर पार्टीज मान लो आपस में सेटल uh, भी कर चुके हैं या नहीं भी सेटल कर रही हैं अगर उसको लगता है फैक्ट एंड सर्कम्सा को देख के इन सारे केसेस में तो कोर्ट जो है अलाउ करती है और क्वैश करने देती है आपकी एफआईआर को ठीक है अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है दैट एफआईआर क्वैश करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट कोर्ट को है सेक्शन 482 में वो अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करती है एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन सच अ केस द हाई कोर्ट में क्वाइस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ इज इफ इन इट्स व्यू ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द डिस्प्यूटेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवेंटीन कन्वेक्शन इज रिमोट और द कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुड कॉज द ऑपरेशन एंड प्रोजुडाइज अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो जो कोर्ट है उसको ऐसा लगता है कि ये जस्टिस को ऑपरेस करेगा दबाएगा जस्टिस को या यहाँ पे

फ्रॉड्स uh, अगर मान लो को जो पार्टी है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है फाइनेंशियल इकोनॉमिकल फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उस पर्टिकुलर केस में वो जस्टिफाइड रहेगा हाई कोर्ट के लिए कि वो डिक्लाइन कर दे क्वैश करने के लिए एफआईआर एंड द आर ऑफ द एक्ट

क्या गलत इंटेंशन से दर्ज करी है क्या आपको जबरदस्ती फंसाया गया है या फिर एलिगेशन रॉन्ग लगाए गए हैं आपके खिलाफ ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में ही पार्टी जो है एप्लीकेशन लगाती है फोर एटी टू की नाउ एलिगेशन जो लगाए हैं ठीक है अब एलिगेशन लगाए हैं बट वो किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन में सेट आउट नहीं हो पा रहे हैं मतलब कि ऑफेंस की जो डेफिनेशन दे रखी हैं आईपीसी में उसमें वो एलिगेशन कहीं फिट नहीं हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में भी कोर्ट को बहुत ही ज्यादा कॉशियसली देखना होता है कि क्या उसको जो है रद्द करनी है या नहीं करनी है एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर सेक्शन की कोई भी स्टैटरी लिमिटेशन नहीं है एंड दैट इज वाई वि ये इनहेरेंट पावर है हाईकोर्ट की और ये बहुत ही ज्यादा वाइड है सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा आई होप ये गाइडलाइंस आपको समझ में आई होंगी एंड इफ एनी डाउट रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ना वन मोर इम्पोर्टेंट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए दैट इज की स्टडी आई यू का लाइफ फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है और दो दिन की क्लासेस स्टार्ट हो गई है अगर आप अभी भी जेनविनली स्टार, uh, स्टार्ट करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को या फिर आप किसी भी स्टेट जुडिश्री को अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल टू स्टडी आई यू लाइफ फाउंडेशन बैच ठीक है तो लाइफ फाउंडेशन बैच में आप इनरोल हो सकते हैं अब यहाँ पे जो प्राइस आपको फोर्टी थाउजेंड रुपीज दिखा रहा है ये सिर्फ मेरे कोर्ट से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा और वो कोड क्या है श्रीलाइव. तो जैसे ही आप श्री लाइव लगाएंगे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट और ये कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ चौबीस रुपए का करना क्या है आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एड प्रोमो कोड करना है श्री लाइव एस एच आर आई एल आई वीई श्री लाइफ कोर्स से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप यहां देख सकते हो आपको यह कोर्स मिल जाएगा सिर्फ चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में अभी जो चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे है इस कोर्स की वैलिडिटी है दो सालों के लिए आपका यह पूरा कोर्स एक साल में कवर अप कर दिया जाएगा और एक साल के लिए आपके पास एक्सेस भी रहेगा इस कोर्स का नॉट ओनली दिस हम यहाँ पे आपको डेली एमसीक्यूज कराएंगे उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो सब्जेक्ट आपके चल रहे होंगे क्लास में आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प करेगा आपके स्ट्रेटेजी प्लान को लेकर आपके टाइम मैनेजमेंट को लेकर वो सारे डाउट सब कुछ जो है वो मेंटर आपका हैंडल करेगा और वो आपको एक प्रॉपर वे बताएगा कि ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो प्रिपरेशन में एट द सेम टाइम लाइव क्लास में आप अपने मेंटर आप जो फैकल्टी है उस फैकल्टी से आप अपने सारे डाउट्स लाइव क्लास में ही सॉल्व कर सकते हो कोई भी इशू नहीं है वहां पे लाइव क्लास में आप कम्युनिकेट टू वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो डेली एम वीकली आंसर राइटिंग सेशन कराए जाएंगे जजमेंट राइटिंग सेशन कराए जाएंगे तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा चौबीस रुपए में यूज करके प्रोमो कोड श्री लाइव तो श्री लाइव से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी तो रही आपकी लाइव फाउंडेशन बैच की बात हमारे स्टडी आई के जुडिशरी पे आपके बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं जैसे कि आपका महापैक हो गया या स्टेट स्पेसिफिक कोर्स हो गए ठीक है तो आपको इनमें से कोई भी कोर्स खरीदना हो स्टडी आई के जुडिशरी पे तो सिर्फ एक ही कोर्ड से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट और वो कोड है आपका श्री लाइव राइट तो श्री लाइव यूज करके आप किसी भी कोर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हैं तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड इन टूडे सेशन थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर